का पेड़, केले का पेड़ बहुत शुभ पेड़ है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। जैसे हर विषय में आपने देखा होगा कि अलग अलग मत मतांतर होते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, बहुत शुभ है पौधा, शुभ तो है, ये बात तो सच है, इसे तो सभी कहेंगे कि हाँ ये शुभ पौधा होता है। लेकिन अब धारणाएं क्यों ऐसी ऐसी हैं कि उसे घर में नहीं लगाना चाहिए, वो आज मैं आपसे क्लियर कर दूं। बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा था मेरे और भी कई वीडियोस में, और छोटे जो मैंने बनाए शॉर्ट वीडियो बनाई है, सबने बहुत पसंद करा है उसे। और देखिए केले का पेड़, अब मैं आपको यहाँ मैंने गमले में लगाया है, ये देखिए मैंने इसलिए लगाया है कि कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा इस पौधे से मिलती है, ये बात तो सच है, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि इसमें कहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी का निवास होता है। अब ये देखिए कितनी घास उगाई है यहाँ पर। तो पहली धारणा तो मैं आपको यही बता दूँ, कहते हैं कि इस घास को और तुलसी जी के नीचे भी जो घास होती है उसको अगर तिजोरी में रख लें तो लक्ष्मी जी की कभी भी कमी नहीं होती, सदैव कृपा बनी रहती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या मानते हैं, आस्था का सवाल है ये। अब लगाने की बात करती हूँ कि घर में क्यों कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए ये गमले में लगाया है मैंने, ये देखिए, और आजकल बरसात है तो यहाँ से देखिए नन्ना सा पौधा फिर उगा है। तो ये तो गमले में है इनका हाल, अगर मैं इनको जमीन में लगा दूंगी तब इनका क्या हाल होगा, क्योंकि जमीन में मैं आपको बिन लेके चलती हूँ आप हैरान मान जाएंगी, देखिए क्या हाल हो हुआ है यहाँ पर। ये देखिए घर में इतने ओवर हेल्दी हमारे यहाँ प्लांट्स हैं कि मैं उनको प्रूनिंग करते करते करते, ये देखिए ये आम का एक पेड़ है, ये चीकू का पेड़ है। तो क्यों कहते हैं कि केले के पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए, ये तो एक एक है, तब इनका ये हाल है, कितना विस्तार इन्होंने लिया है, ये देखिए। और उधर देखिए दूसरे वाला आम का पेड़, उसका तना मैं आपको दिखाती हूँ कितना मोटा है, ये देखिए इतना चौड़ा है ये। और मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये सब मैंने प्रूनिंग की है, सेहरा बेल ये जितना ढेर देख रहे हैं घास फूस का ये सब, और ये देखिए बथुए का पेड़, ये सब मैंने निकाले हैं जो, ये इधर देखिए आप, इतना हाल ऐसा हो जाता है, ये देखिए कितना खराब लग रहा है। जरूरी नहीं है कि खूबसूरती ही दिखानी चाहिए, बागीचे में जो चीजें लगाते हैं उनसे होने वाली परेशानियों का भी आपको पता रहना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए अब मैंने यहाँ लगाई है सेहरा बेल गमले के इधर। पौधों को सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर झूले में देखने में भी जब इसकी लड़ियाँ आएंगी तो बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है, चिड़िया आती रहती है यहाँ पर। और इधर देखिए ये प्लांट्स लगाए हैं मैंने रंगीन पत्तियों वाले, और इधर ये देखिए, और ये है हमारा गेट। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ये आपको कि हर बात का जो एक सटीक एक वो होता है ना लॉजिक, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए प्रवेश द्वार की बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ये केले का पेड़ लगा है, और ये गमले में है, क्योंकि तो गमले में ये कितना विस्तार ले लेगा, अगर ये ज़्यादा हो तो जाएंगे, लेकिन इसकी हाइट जब मेरी हाइट से थोड़ी भी ज़्यादा होने से पहले इसको मैं किसी मंदिर में लगा दूंगी, ये इसका एक लॉजिक है जो मैंने एक बहुत ही जाने माने पंडित जी सुरेश पांडे जी से मैंने एक बार सुना था टीवी पे, और मैं उनको मानती हूँ बहुत। अब मैं दूसरी बात बताऊंगी, अगर इसको ज़मीन में लगाएंगे, कहते हैं ना कि घर के आगे नहीं लगाना चाहिए, तो उसका मतलब यही है, घर के आगे अगर हम लगा देंगे तो घर ही नहीं दिखाई देगा, ये एक से दो, दो से चार, और चार से फिर आठ, नहीं बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, इतना विस्तार हो जाएगा इनका कि संभालना मुश्किल हो जाएगा इनको। तो बस ये कारण है इसका कि घर के सामने नहीं लगाते, अगर बहुत जगह है तो कहीं आप इसको अपने गार्डन में कहीं दूर, मतलब ये किसी से पूछ लीजिए आप, जैसा जिसका विश्वास हो तो तब आप इसको लगा सकते हैं। और कहते हैं कि जिस पौधे की पूजा करते हैं उसके फल नहीं खाते, ये भी सबका अपना अलग अलग विषय है, आस्था का विषय है ये। तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आपका हर दिन हर पल शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।